तो यहाँ पे सब्जी को तड़का लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि मुझे कल सुबह भिंडी बनानी है उनको लंच में, तो बस वही भिंडी को तड़का लगा दिया और साथ में रख ली है चाय। और एक बार तो चाय पी चुके हैं सुबह उठने के बाद, और ये दूसरी चाय हमारी, तो सब्जी भी बनती रहेगी, चाय भी होती रहेगी, और साथ में जो है वो फिर मैं अपना काम दूसरा भी कर लूँ, मतलब आटा वगैरह गूंद लूँगी, पक्षियों को दाना डालाऊँगी, तब तक सब्जी भी हो जाएगी और चाय भी मेरी अच्छी तरह से कट जाएगी। तो बस यहाँ पे फिर सिंपल तरीके से सब्जी बनाई थी मैंने, कोई मतलब बस प्याज जीरा और हल्दी नमक वगैरह वही डाल के सिंपल सी रेसिपी थी भिंडी की, इसलिए मैंने आपसे शेयर भी नहीं की। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ गेहूँ डालने, तब तक ये गेहूँ वगैरह गिलहरी आती हैं ना छोटी छोटी, छोटे छोटे पक्षी भी आते हैं, तो इनका हो जाएगा। उसके बाद जब चपाती इनको लंच के लिए बनाऊँगी, तब थोड़ी सी 4-5 चपातियाँ एक्स्ट्रा बना के उनको फिर से डाल दूँगी थोड़े थोड़े टुकड़े करके। तो बस यहाँ पर फिर चाय पी रही थी, उनको बुला रही थी कि चाय पी लो आके, तो वो बाहर दूसरे कमरे में थे ये, और बस यहाँ पर चाय पी रही हूँ और उसके बाद फिर लग जाऊँगी अपने काम पर। यहाँ पे इनका लंच हो गया तैयार और लंच भी हो गया, नाश्ता इनको दे दिया है, अब ये चले जाएंगे अपने काम पे और मैं लग जाऊँगी घर पे अपने काम पे। तो यहाँ पे मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है, तो मैं नहा के आ गई हूँ और अब जाऊँगी मैं पूजा करने। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो सभी को राम राम जी, राधे राधे जी। जय श्री राधे जी। तो भी कैसी है मेरी YouTube फैमिली, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ और स्वस्थ हूँ। और अभी बज रहे हैं 10:15 और मैं जा रही हूँ शॉप तक, और मुझे ना एक दो काम और भी हैं मोटा बाज़ार में ही। हाँ, देखती हूँ अगर वहाँ हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मुझे उधर जाना पड़ेगा हमीरपुर में। तो बस अभी चलती हूँ और फिर मिलूंगी मैं आपसे आगे, अगर मैं वीडियो शेयर कर पाई आपसे तो ज़रूर करूंगी, नहीं तो फिर मैं घर में वापस आके फिर आपसे मिलती हूँ। हमीरपुर तो जाना नहीं हुआ, एक दो तो दिन में जाती हूँ, और मुझे कुछ ना अपने लिए बुक्स लेनी है, तो बस वही बुक मैंने मंगवाई थी, तो बस उन्होंने बोला था कि आ गई हैं, तो वो बुक लेनी है मुझे। और यहाँ पे मैं फिर आ गई थी, भोटा से थोड़ा सा आगे ही हैं ये, बंदर बहुत होते हैं वहाँ पर, तो उनके पास आ गई थी बस उनको थोड़ा सा कुछ खिलाने। बस फिर घर वापस आने के बाद जो है मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और उसके बाद लगी थी मैं अपने स्किन की केयर करने, तो सोचा आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो अब गर्मियों का टाइम है और स्किन केयर भी ज़रूरी है, तो सर्दियों में भी करती हूँ, लेकिन
कभी कभार करती थी सर्दियों में, तो गर्मियों में तो मैं डेली करती रहती हूँ क्योंकि ठंड भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे लिया मैंने चावल का आटा, दही सॉरी दूध, और चावल का आटा और दूध के साथ ना अच्छे से स्क्रब हो जाता है। पहले जो है वो फेस अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लेना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है और अच्छी तरह से इसकी जो है वो मसाज करनी है हल्के हल्के हाथों से। तो हल्के हल्के हाथों से इसको 5-6 मिनट तक मसाज करनी है फेस पे, उसके बाद जो है वो इसको वॉश कर लेना है। स्किन केयर करने के साथ साथ जो है ना वो अपना स्वास्थ्य भी हमें अच्छा रखना है, उसकी भी हमें केयर करनी है, क्योंकि हमारा खान पान सही होगा ना तो फेस पे तभी तो ग्लो आएगा। और अगर हम फेस को चमकाते रहेंगे और खान पीन में अपना ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं, ऑयली चीज़ें खाएंगे, तो फिर फेस में जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट या फिर झाइयाँ वगैरह जो है वो दिखती हैं। तो खाने पीने में भी थोड़ा सा हमें परहेज़ करना चाहिए, पानी खूब सारा पीना चाहिए, गर्मियाँ हैं और खुश रहना चाहिए हमेशा, मतलब टेंशन से रहेंगे तब भी फेस पे वो सब कुछ जो है वो आपके फेस पे दिखता है। तो इससे क्या होता है कि हम कितनी भी केयर कर लें अपनी स्किन की, लेकिन फिर भी टेंशन से क्या है कि झुर्रियाँ पड़ती हैं, फिर आंखों के नीचे काले गड्ढे बन जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो हमें खान पीने का, अपने मन का, अपने दिमाग का, उसकी भी केयर करनी है। तो अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और जहाँ खुशी मिलती है वो काम करने चाहिए। तो इससे क्या है कि हमारा फेस भी ग्लो करेगा और हमारा दिमाग भी ग्लो करेगा और हमारा मन भी ग्लो करेगा। तो यहाँ उसके बाद जो है वो सारा साफ होने के बाद, मतलब जो मैंने स्क्रब किया उसको साफ किया, उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे बेसन और दही। तो इसको जो है वो बेसन तोड़ा, मतलब 100% गारंटी है कि बेसन तो हमारे फेस पे इतना ग्लो आता है ना बेसन से। तो बेसन अगर आप ऐसे पानी के साथ भी लगाएंगे ना तब भी उसका जो ग्लो आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं दूध और बेसन और हल्दी सॉरी बेसन हल्दी और दही को अप्लाई कर रही हूँ। तो बस अब इसको जो है वो सूखने दूंगी, तो बस सूखने दूंगी इसको, 10 मिनट लगेंगे सूखने के लिए, उसके बाद जो है वो इसको वॉश कर दूंगी। बस ये देखो मेरे फेस पे ये जो बेसन का पैक लगाया था ना मैंने, ये सारा सूख गया है, मतलब 10 मिनट तक मैंने इसको फेस पे रहने दिया। अब इसको जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ धो के फेस को, और देखो कितना ग्लो कर रहा है, मुझे खुद फील हो रहा था, और आप देख सकते हैं कि कितना जो है इसमें ग्लो आ गया है, अभी से इंस्टेंट ग्लो आता है। तो उसके बाद जो है वो मैं इसको आलमंड ड्रॉप ली है मैंने 2-3, उससे जो है भी इसकी मसाज करूँगी, क्योंकि क्रीम मैं फेस पे कोई भी अप्लाई नहीं करती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ फेस पे, और क्रीम मैं कोई भी नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं इसके हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लूँगी। अगर आपके पास कोई अच्छी सी क्रीम हो जिसको आप अप्लाई करते हो फेस पे, तो उससे भी आप जो है वो मसाज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आलमंड ड्रॉप लिए हैं मैंने 2-3, तो उसी से मैंने मसाज की है 8 से 10 मिनट तक का। तो बस फिर अब मैं वीडियो के एंड पे भी आ गई हूँ, तो वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर दूँगी। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।